सर, बन टोल प्लाजा के मुद्दे पर आज रियासी के सनातन सभा में बैठक की गई है। किन बातों पर चर्चा की गई है और क्या रणनीति बनाई गई है? आज की जो मीटिंग थी, ये रियासी के नौजवानों ने जो एजेंडा उठाया है और उसमें बुजुर्गों को उन्होंने एतमाद में लेकर के ये बन टोल प्लाजा का जो मसला यहाँ उठाया है, मैं रियासी के नौजवानों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि बन टोल प्लाजा जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है और 200 रुपया टोल जो हमसे वसूल किया जा रहा है गाड़ी का, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी है। और हम कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि रियासी के लोग जो है वो 8 किलोमीटर रोड अगर सारा जो वो यूज़ करते हैं तो उनसे ये 200 रुपया क्यों लिया जाता है, इस बात की समझ नहीं आती है। क्या अब देखिए सांबा के अंदर, वहाँ टोल उन्होंने लगने नहीं दिया, वहाँ बनने नहीं दिया, उखाड़ के फेंक दिया। हमें लगता है कि सांबा की कसर भी जो है वो रियासी के लोगों से उठाई जा रही है और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और आज जो मीटिंग यहाँ पे हुई है, इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हमारे रियासी के जो चेयरमैन साहब हैं म्यूनसिपल कमेटी के और उनकी जो टीम, उनके पार्षद जो हैं, वो गवर्नर साहब से या मंत्री साहब से टाइम लेंगे ताकि उनके साथ जाकर के ये रियासी की टीम जो है वो बात करे। और हम ये डिमांड करते हैं कि हमें गवर्नर साहब या मंत्री साहब या जो भी इसकी मुतलका एजेंसी है वो हमें टाइम दे ताकि इस पर हम बात कर सकें, इससे पहले कि रियासी के लोग किसी जद्दोजहद में उतरें, किसी एजिटेशन पे उतरें। हम प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से इस मसले को हल करना चाहते हैं। और ये 200 रुपया टोल जो हमसे लिया जाता है, ये बिल्कुल जो है ये नाजायज़ है। इसकी हर कोई हर तरफ से मजम्मत कर रहा है। मैं फिर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने जो फैसला लिया, हम सब रियासी के लोग इनके साथ हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमें टाइम दे और ताकि हम वहां पर जाकर बात करें। और यही हमारा आज का जो मुद्दा था, काफ़ी दिनों से हम इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन सरकार के जो जो अफसर हैं या सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है इस मसले को लेकर के। हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं तो हमारी रियासती सरकार या मरकजी सरकार उनके तलवे चाटती है। जम्मू के लोग हिंदुस्तान का झंडा उठा करके हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हमें परेशान किया जाता है, हमें लूटा जाता है। ये दो नज़रिया पॉलिसी जो है इसको तर्क करना चाहिए। हमने ये फैसला किया है कि रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी आगे रहेगी, हम अपोजिशन के तमाम जितनी पार्टी हैं उनके पीछे चलेंगे। जब रूलिंग पार्टी इसमें रह जाती है तो उसके बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब मिल करके इसमें एजिटेशन करेंगे, जदोजहद करेंगे, जो भी अगली कार्रवाई होगी हम उसमें करेंगे। लेकिन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इसको सरकार को बंद करना होगा और हम बंद करवा के छोड़ेंगे। देखिए, आज जो ये मीटिंग रखी गई थी, नौजवानों ने जो 2-3 महीने का जो कार्यक्रम हमारा रियासी में चल रहा है टोल प्लाजा के ऊपर, उसके ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी। आज से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जो मेरे साथ कमेटी के दफ्तर में मिले थे, मैंने उनको कहा था कि हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन आज इन्होंने, मैंने इनको कहा है कि आप मुझे 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं गवर्नर साहब को लेटर करता हूँ, उधर से वहाँ से हमें क्या जवाब मिलता है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम छाना बजाना, खासकर जो मुस्लिम कमेटी हमारी रियासी में बनी है उसके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो पार्षद हैं, वो इन बच्चों के साथ अपनी शान के साथ इनके साथ चलेंगे, उसके बाद जो भी फैसला ये लेंगे। लेकिन मैंने इनको कहा है कि 1 हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए, मैं अब हाई कमांड से भी बात करूँगा और गवर्नर साहब से टाइम लेने की कोशिश करूँगा, अगर वहाँ से टाइम मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे। और जो भी हमारी जो टोल प्लाजा की डिमांड है, हम एक ही डिमांड लेके उनके पास जा रहे हैं, उनके पास क्या हमें आश्वासन मिलता है या कैसे बात होती है वो बात इनके बीच में रखूँगा मैं। उसके बाद जो भी ये फैसला लेंगे उसके साथ पूरी पूरी टीम जो मेरी यहाँ पर रियासत में कमेटी की बैठी हुई है उसके साथ हमारा काम है। सर, इससे पहले कभी आपने अंदर खाने अपनी पार्टी में इस मुद्दे को उठाया है? देखिए, हमारी बात हर वक्त हमारी होती रहती है, दो साल से नंदा साहब से की बात हो रही है, जब भी हमारी बात होती है, जब गडकरी साहब से मिलते हैं, जब कटरे में आए थे तब भी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो उन्होंने कोई हमारे हमें प्रॉब्लम बताई थी कि नया जब भी इसके ऊपर वो बनेगा तो उसके बाद ये फैसला हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासी का जो 8 किलोमीटर का हम सफ़र
ले रहे हैं, 8 किलोमीटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर 200 रुपया एक जानवर वो बनता नहीं है हमारे ऊपर। एक एक बहुत बेइंसाफी हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे MP साहब हैं वो भी इसके ऊपर एक्शन लें, और जो भी हमारे ऊपर कंट्री साहब बैठे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास जाने के पहले हमें कुछ ना कुछ गवर्नर साहब से हमें पहले मिलना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब हमें टाइम दें, उसके बाद जो भी फैसला होगा, जो भी ये फैसला करेगी नौजवान जो टीम बनी हुई है उसके साथ हम चलेंगे। सर, जो जनता है रियासी की, आप उसे क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर खासकर, और जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता या नेता हैं कहीं ना कहीं वो इनके साथ आने में बच रहे हैं ऐसा देखने को मिलता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने किसको कहा है या किसको नहीं कहा है, लेकिन मैं एक एज ए पार्टी का चेयरमैन होने के नाते जो मैं जहाँ पे जिम्मेवारी रियासी की संभाल रहा हूँ, इनके साथ साथ चल रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो आप बताइए। मेरे जो हमारे पार्षद हैं वो भी हमारे इनके साथ चल रहे हैं, 13 के 13 पार्षद इनके साथ चल रहे हैं, और कमेटी के दफ्तर में इन्होंने बात कर साइन भी किया है उनके ऊपर, जो इन्होंने लेटर दिया था हमें, हमने लेटर साइन करके दिया है कि जहाँ भी आपको हमारी जरूरत होगी। और मैं रियासी की जनता से भी अपील करूँगा कि अगर इसके लिए हमें एक कोई एडिशन लड़नी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए रियासी में। जी, शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग हुई है, तमाम लोग भी पहुँचे थे, क्या क्या डिस्कशन हुई है, और राज्यपाल से मिलने की बात हो रही है, तो कब समय कौन अप्रोच करेगा राज्यपाल से? सबसे पहले तो मैं, ये जो नौजवान NGO के लोग हैं, रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते इनका आभार प्रकट करता हूँ। ये काफ़ी स्ट्रगल इसके लिए कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमारी हॉस्पिटल की डिमांड के लिए हमें सेक्ट्रेट में जाना पड़ता था, तब चीफ सेक्रेटरी BB व्यास हुआ करते थे, और कई बार हमने उनसे भी इसके लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन हमको उसमें कामयाबी नहीं मिली। आज जब मीटिंग हुई तो मुझे इसके लिए पूछा गया, तो मैंने कहा कि हमारे पास चुनी हुई जो रियासी की सरकार है, रियासी के जो पार्षद हैं, रियासी के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, क्योंकि ये सरकार से जुड़े हुए इन लोगों में ज़्यादा लोग हैं, आखिरकार जो भी फैसला करना है वो सरकार ने करना है। जब हम एजिटेशन के लिए तैयार होंगे, पहले तो हमें इन लोगों को देखना चाहिए। चेयरमैन साहब से बात हुई और चेयरमैन साहब के आपने अभी विचार सुने, क्योंकि हमें जो चेयरमैन मिले हैं वो स्पष्ट बात करते हैं, और मैं जिस चेयरमैन जी की पार्टी में ये इस टाइम है, मैं भी उसी पार्टी में मैंने जन्म लिया है। मैं अपने पुराने पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता पुराना है, लेकिन हमको रियासी वालों को जो एक हथियार हमेशा एजिटेशन का दिया हुआ है, वो हथियार हमारे पास है, लेकिन हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम प्यार का हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस हथियार को हमने चेयरमैन को आगे किया है। इनसे जो बात हुई, इन्होंने लोगों से समय मांगा, 10 तारीख तक ये अपने और से, अगर इनको दिल्ली टाइम मिलता है, गवर्नर साहब से टाइम मिलता है, तो ये अगर हमारी ज़रूरत समझते होंगे तो हम इनके पीछे चलने को तैयार हैं, और अगर सरकार, गवर्नर, कोई हमारे चेयरमैन की इज्जत नहीं रखता है, तो उसका उधार चुकाने के लिए रियासी का डिस्ट्रिक्ट, जिसमें महाओर, पौनी, अरनास, गांव गांव के लोग, उन लोगों को जगाना पड़ेगा। भाई, हम क्या मांग रहे हैं? श्रीनगर में तो आपने एक दिन में उस लीडरशिप के आगे नतमस्तक हो गए, और वो एकदम टोल प्लाजा का जो आप लेते थे बंद कर दिया। जम्मू वालों ने क्या किया है? क्या यात्रु जो हैं वैष्णो माता नहीं आते, अमरनाथ यात्रा ही जाते हैं, शिवखोड़ी नहीं जाते? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं
गवर्नर साहब से रियासी का विनम्र सेवक होने के नाते अपील करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब, आपने जो काम किया है गवर्नर के नाते तो किया ही किया है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर करके गए हैं उन सबको अपने आपने अपने काम से ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो कोई तोड़ नहीं सकता। उस लकीर को आगे खींचने के लिए जो टोल प्लाजा के लिए हमारे लोग आपके पास आ रहे हैं, उस लकीर को थोड़ा और खींचिए और टोल प्लाजा जो है हमें जो उसका वहाँ दे दिया जा रहा है उसके 200 रुपया जो आप ले रहे हैं तुरंत उसको माफ़ किया जाए, मैं यही कहूँगा। और 10 तारीख को दोबारा जब मीटिंग होगी उसमें हम जितने भी सराउंडिंग के हम चुने हुए लोग हैं, क्योंकि जो ताकत चुने हुए लोगों में है वो दूसरे में नहीं है। जिन लोगों को जनता ने ठुकरा दिया है वो उसके पीछे चलने को तैयार रहें, ताकि इन लोगों को आगे करके हमारा जो रियासी का जो टोल प्लाजा का है, हमें आप तुरंत इसमें डिसीजन लेने से पहले हमारा पुराना रास्ता दे दीजिए, हमें जहाँ से हम जाते थे उसको तो खोलिए, उसको क्यों बंद कर रहे हो? जिसकी मर्जी है वो उधर से जाए, जिसकी मर्जी है वो आपके रास्ते से जाए, उसको तो खोल दीजिए। लेकिन अगर आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो अगर आपको कहीं मारना और मरवाना ही है तो वो आपको मुबारक। मैं सरकार से और जितेंद्र जी से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रियासी की जनता ने आपको हजारों वोट दिए हैं और उन वोटों की कदर करते हुए, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोगों में एक गलत सिग्नल जा रहा है। नौजवान बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब मिले हुए हैं, ये आप सभी लोगों को जनता की एक गाल दी जा रही है। इसको तुरंत एक्शन लेते हुए इसको टोल प्लाजा जो है उसको वापस लिया जाए, यही मैं आपसे कहूँगा। धन्यवाद, जय बा जी। शुक्रिया सर। क्या चर्चा हुई है और क्या मुद्दे रखे जाएंगे? जैसे कि राज्यपाल से मिलने की बात हुई है, अगर मुलाकात होती है तो क्या कोई स्पष्ट हो पाया है कि क्या मुद्दे वहाँ पे उठाए जाएंगे? टोल को ख़त्म करने की बात की जाएगी या कम करने की बात की जाएगी या पुराना रास्ता खोलने की मांग रखी जाएगी? सबसे पहले तो मैं इस NGO जो खड़ी हुई है नौजवान बच्चे, इनको बहुत मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने ये मुद्दे को उछाला है। हमने पहले 3 महीने पहले हमने कोशिश की, लेकिन देखा हमने कि कुछ लोग साथ नहीं चल पा रहे थे, तो इन बच्चों ने जब उठाया है तो हमारा भी मन बड़ा खुश हुआ है कि पीछे रियासी के भविष्य ये लोग हैं जो इसको संभाल सकेंगे। तो इसके आगे अब टोल प्लाजा की जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं उसका पूरा साथ देंगे। जैसे आज मीटिंग हुई है, मीटिंग में पुरी साहब को हमने लीड करने के लिए बोला है, वो रियासी में चेयरमैन भी हैं, इलेक्टेड हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ पार्षद हैं, उसके बाद गवर्नमेंट में है, उनकी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में एक्शन कर रही है, तो हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकेगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी उसमें ज़्यादा इनिशिएट लेंगे अगर, तो ये कोई बड़ा मसला है ही नहीं। तो गवर्नर साहब से भी मुलाकात, अगर गवर्नर साहब से मिलते हैं तो अब उधर प्ली क्या, गवर्नर साहब क्या प्ली देते हैं या कमेटी क्या प्ली कर देती है, वे बैठ के उस वक्त डिसीजन हो जाएगा। अगर वो श्रीनगर में एक झटके में उन्होंने उसको डिमालिश कर दिया टैक्स को, तो एग्जेम्प्टी कर दिया बिल्कुल ही, तो जम्मू में क्या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि जो जम्मू में नहीं हो सकता है? तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो उसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद करने पड़ेगी। मुझे कोई आसान काम तो है नहीं कि हम ये इसको जल्दी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट के लोग बीच में अगर इन्वॉल्वमेंट कर लें, मन से कर लें, तो ये इसका मसला जल्दी हल हो भी सकता है। तो आगे देखिए, अब बच्चों ने उठाया मसला तो इसके साथ हम पूरा साथ देंगे, जैसे जितना भी योगदान होगा हम पूरा साथ देंगे। जय बात। ठीक, शुक्रिया। शुक्रिया सर। कोई नाम रखा गया है इस कमेटी का, किस नाम के बैनर तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस एजिटेशन को, इस जो इसको रूपरेखा दी जा रही है
आज यही तय हुआ है कि क्यों ना हमारे जो रियासी म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री शशिपुरी जी हैं, क्यों ना उनको हम बातचीत करके उनसे सुझाव लेते हुए उनको आगे की रूपरेखा तय करके उनको जिम्मा सौंपा गया है, जो गवर्नर साहब से अपॉइंट मिलने के लिए वक्त लेंगे। और उसके बाद उनको उन्होंने ये भी बोला है कि मैं जो हमारे हाई कमांड है उनसे भी बातचीत करके उनसे भी वक्त ले इस मसले पर वक्त लेंगे, ताकि इस मसले को हम जो काफ़ी ज़ाती है रियासी के लोगों के साथ, इस मसले को कहीं ना कहीं लोगों को निजात दिलाई जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम बाकी तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो ताल्लुक कोई ना कोई रखता होगा, लेकिन ये जो मुद्दा लेकर हम निकले हैं ये एक कॉमन मुद्दा है जिसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात ना है, और हम चाहते हैं कि सारे मिलजुल कर हम आगे आएं और इस मसले को जोर शोर से उठाते हुए सरकार के सामने अपनी डिमांड रखते हुए अपनी बातों को मनवाएं। टोल प्लाजा का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हमारे लिए आ गया हुआ है कि जो जहां पे हमें 8 किलोमीटर के लिए 200 रुपया पे करना पड़ता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं चुपता है कि नहीं, हम अगर हम वो उस रूट के लेंथ यूज़ कर रहे हों तो वो ठीक है। सिर्फ हम ही नहीं, जो साउथ से कन्याकुमारी से हमारा श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन के लिए आता है, और वो भी 8 किलोमीटर के उस स्ट्रेच के लिए 135 रुपये एक साइड का, क्योंकि वो एक साइड से एक दिन में तो जा नहीं सकता वापस, तो उसको 270 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये उसके लिए भी जाती है, क्योंकि सिर्फ एक 8 किलोमीटर का स्ट्रेच, और 8 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए 200 या 270 रुपये पे करने, वो नाजायज़ है। जैसे हमारे सभी साथियों ने कहा है कि वो उसके लिए हम जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी, हम करेंगे। धन्यवाद जी। अगर राज्यपाल से समय नहीं मिलता है तो फिर आगे की क्या रणनीति है, क्या उस पर भी चर्चा हुई है, और इससे पहले भी क्या आपके द्वारा कोशिश की गई है राज्यपाल से समय लेने की? मैं बिना जो पिछली बातें हुई हमारी उसको बिना दोहराए हुए ये मैं बताना चाहूँगा कि हमने गवर्नर साहब से थ्रू प्रॉपर चैनल उनसे मिलने की कोशिश की, मगर जब हमने ये टोल प्लाजे के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें समय नहीं दिया। रीज़न क्या है इसके बारे में तो मैं जानता नहीं, मगर हाँ मैं इस वन टोल के बारे में ये कहूँगा कि ये एकदम डिस्क्रिमिनेशन है हम लोगों के साथ, ये गुंडागर्दी है हम लोगों के साथ जो सरेआम की जा रही है। इस मीटिंग में रूल्स की बात की गई कि रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं उनको अमेंड करने की ज़रूरत है, और इन रूल्स के बारे में जब बात हुई, ये रूल्स हमें रियासी वालों को ये रूल्स बताते हैं, जब हमें टोल देना पड़ता है ये हमें टनल के कटवाते, हमें टनल गिनवाते हैं, हमें टोल देना होता है ये हमें पुल की काउंटिंग करवाते हैं, हमें टोल देना होता है एक इंच इंच का हिसाब लेते हैं, मगर इसी रोड में जब यहाँ श्रीनगर में ये एग्जम्पशन देते हैं तब कौन से जाब्ते के तहत देते हैं? वो एग्जम्पशन गवर्नर साहब ने दी, तो क्या गवर्नर साहब को जब यहाँ की बात करने की बात आती है तो तब क्या उनकी आंखें बंद हो जाती हैं? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गवर्नर साहब एकदम सरासर एकतरफा चल रहे हैं। अगर अमरनाथ यात्री अगर श्रीनगर जाते हैं तो इसी रूट से जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है मगर वहाँ पे वो एग्जम्प्ट हैं। ये आई वॉश है, ये एग्जम्प्शन अमरनाथ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि श्रीनगर के जो लोग लोकल हैं ये उनके लिए एग्जम्प्शन का जाब्ता तैयार किया गया है। हम सिंपली एक एग्जम्प्शन सीख कर रहे हैं कि जो रियासी के लोग जो केवल 8 किलोमीटर का स्ट्रेच इस्तेमाल करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है उससे हम मुफा चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से रियासी की सारी जनता को अपील करता हूं कि घर में ना बैठे रहें, हम सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और हमने शशिपुरी साहब ने जो टाइम सी किया है 10 तारीख तक का, उसके बाद हमने 10 तारीख को बुधवार को शाम को 7 बजे यहाँ पे दोबारा से मीटिंग रखी हुई है, तो मैं सभी से अपील करूँगा कि घरों से बाहर निकलें और इस एजिटेशन का साथ दें ताकि हम अपनी लड़ाई को लड़ पाए, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किसी एक बंदे का मसला नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मसला नहीं है, ये हम सब लोगों का मसला है। हम घर बैठे बात तो जरूर करते हैं मगर हम
घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं। हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहूँ, जिन लोगों के दिलों में ये वहम है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये हर एक चीज़ पॉसिबल है। ज़रूरत है तो एक लड़ाई लड़ने की, ज़रूरत है घरों से बाहर निकलने की। अगर श्रीनगर वालों को एग्जम्पशन दे सकते हैं गवर्नर साहब, तो गवर्नर साहब इसी स्टेट के गवर्नर हैं, कहीं बाहर के गवर्नर नहीं है। वो सिर्फ श्रीनगर के गवर्नर नहीं है, वो J&K स्टेट के गवर्नर है। अगर वहाँ पर वो एग्जम्पशन दे सकते हैं, वो यहाँ पर भी एग्जम्पशन दे सकते हैं। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जम्मू वाले हैं, वो श्रीनगर वाले हैं। श्रीनगर को घर बैठे उनको मिल जाता है, हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के घरों से बाहर निकलें और इस लड़ाई में अपना साथ दें। थैंक यू जी, शुक्रिया। बतौर एक आम नागरिक अगर बात करें, तो जब आप 200 रुपए देते हैं बतौर टोल वन टोल प्लाजा में, तो क्या फीलिंग्स अंदर आती है? और आज मीटिंग हुई है, तो क्या नज़रिया है आपका? क्या आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? जो यूथ खड़ा हुआ है उनका साथ देंगे या किस तरह से आगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अस डोगरे या अखने या शाने करने असें जीतियां ने जंगा बड़ी शाने कन्ने। एह जेहड़े एह मसला जेहड़ा है एक जंग रूप ले चुके दा है। प्यार कन्ने साढ़े बजुर्गें साढ़े जेहड़े साढ़े दोस्त उन्होंने सारे आख्या, लेकिन सरकार की कोई असर नहीं होया। यह तो मसला बड़ा निका नहीं है, कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है। जिन्हें रातों रात श्रीनगर भी टोल माफ हो सकता है, तो यह टोल कड़ा बड़ा है? जहाँ कोई रियासी का कोई 20 किलोमीटर या कोई 100 किलोमीटर की सड़क चली आ रहे हो, तो बंदा आखिर है 8 किलोमीटर का सफर है खाली, तो इन्ना बड़ा हंगामा कह ली है। असें जितेंद्र सिंह होने बड़ी बड़ी मतें कने जताया, बड़े अच्छे वोटें कने इसे जताइए भेजिया, जय जयकार की। साड़ी जी एजुकेशन ही ये भी तोहफा दौड़ते हैं कि तुम्हें टोल माफ किया, बड़ी जय जयकार होनी ही। बड़ी बेशर्मी कने सू आख्या जाता है कि ये जो मसला दिन ब दिन दिन भी चुको आ रहा, लेकिन कोई सरकार ये कोई अपना रूप नहीं लै रही, कोई जो सरकार भी नुमाइंदे खड़ोते रहन, कोई कुछ नहीं बोला रहा। यह मसला बड़ा निका नहीं है। सरकार की अस जोड़िए निवेदन करने हैं कि इस मसले की जल्दी कोला जल्दी निपटाया जाए। यह मसला कोई थोड़ा ऐसे बड़ा बड़ा मसला नहीं है। तुम सरकार बैठ रहे हो, जो नितिन गडकरी और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो भी थोड़े गए हैं। जितेंद्र सिंह जी तुम उनके कन्ने जो रोज मिलते हो, या तो उन्हें मिलते नहीं हो, साउथ टू साउथ मिलते नहीं हो, रोज उनके कन्ने बेहिए चावा पीते हो, गप्पा मारते हो, पार्लीमेंट भी जाते हो, तो मसला उन्हें सुनाओ ना कि रियासी सरकार जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो मैं जताइए थोड़े को भेजे है, ये मसला छोटा जहा मसला है, कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है। इसी हल कर तुम क्या कर सकते हो, ये खाली निकल है फोन की जरूरत है। अगर तुम कटरे वाले की पास दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, तो रियासी वाले की नहीं? रियासी वाले को जहाजे चढ़िए थोड़े वन टोल पास करते हैं, वो गड्डी बेच के अपनी हो जाए। हर घर गड्डी है, जहाँ लोगों को गड्डी नहीं हो, हर घर गड्डी है, हर बच्चा घर गड्डी भी जाता है। पेशेंट ने तुम्हें माफ करू लिया, स्टूडेंट ने माफ करू लिया, जेडे जेडे पेशेंट मी सुनाओ, वो कोई अपनी गड्डी जाके वो एम्बुलेंस के जाने पेशेंट, तो एम्बुलेंस अगे टोल माफ गया है। जो स्टूडेंट ने कोई गड्डी लगी थोड़ी जाना, या मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल जाकर मोटरसाइकिल अगे माफ है? ये कोई मजा नहीं होया। सरकार जी, सरकार भी जरूर ना काम करो। जय हिंद, जय भारत, मसला हल करो जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपको बता दें कि टोल बंद टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर आज रियासी के सनातन सभा में बैठक की गई थी, और बैठक के बाद ये तमाम अपने विचार रखते जो बैठक में शामिल हुए थे, स्थानीय लोग थे, और जो कमेटी बनाई गई है, जो यंग यूथ इकट्ठा हुआ है, उन्होंने भी अपने विचार रखे, और जो तमाम लोग स्थानीय लोग आए थे उन्होंने भी अपने विचार रखे। फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही। रियासी जिले की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।